हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। आज हम भारत स्किल क्वेश्चन बैंक ग्रुप फर्स्ट लेवल सेकंड के शेष प्रश्नों की विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें प्रश्न से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या की जाएगी। यह वीडियो सभी CITS व ITI स्टूडेंट्स व CITS प्रवेश परीक्षा देने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि इसका लाभ अन्य विद्यार्थियों को मिल सके। आपके लाइक व कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। यह इस सीरीज की 5वीं वीडियो है। ग्रुप फर्स्ट, लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड के शेष प्रश्नों का सविस्तार हल जानने के लिए पार्ट 1, पार्ट 2 व पार्ट 3, पार्ट 4 अवश्य देखें। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फ्यूजिबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, विच मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूजिबिलिटी धातु के गुणों में से एक है। कौन से धातु का उच्चतम गलनांक बिंदु होता है? तो ये हमारा फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि फ्यूजिबिलिटी की हर धातु के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ये इस धातु का गुण है और हर धातु का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो आपको याद रखना है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट उच्चतम होता है। तो उच्चतम गलनांक बिंदु किसका होता है? टंगस्टन का गलनांक बिंदु उच्चतम होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्यूजिबिलिटी की। फ्यूजिबिलिटी क्या होती है? फ्यूजिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स दैट अलाउज देम टू गो फ्रॉम ए सॉलिड टू ए लिक्विड स्टेट व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू ए सर्टेन टेम्परेचर। कहने का मतलब कि गलनीयता पदार्थ का वह गुण है जिससे किसी निश्चित ताप पर वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। अगर हम बात करें तो ब्रांज, ब्रास एंड आयरन आर वेरी फ्यूजिबल मेटेरियल्स। ठीक है, तो ब्रांज, ब्रास और आयरन क्या है? आर वेरी फ्यूजिबल मेटेरियल्स, यानी गलनीय पदार्थ है। देन मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ए मटेरियल गोज फ्रॉम ए सॉलिड टू ए लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो जिस बिंदु पर, जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, गलनांक बिंदु कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर क्या होगा? टंगस्टन, ये आपको याद रखना है। चलिए हम कुछ के मेल्टिंग पॉइंट को याद रख लेते हैं। तो नेम ऑफ मेटल्स आर नॉन मेटल्स, देन मेल्टिंग पॉइंट। निकल का मेल्टिंग पॉइंट 1450 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। कोबाल्ट का मेल्टिंग पॉइंट 1495 डिग्री सेल्सियस होता है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट मेटल्स और नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट है जिन्हें आप लोग को बाय हार्ट करना होगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायनॉसी इज डिफाइंड एज। ठीक है, बायनॉसी क्या होती है कि आप लोगों ने प्रैक्टिकली अनुभव किया होगा कि जब पानी से भरे कोई बर्तन में, ठीक है, पानी से भरे कोई बर्तन में आप कोई वस्तु लाके डुबोते हैं तो क्या होती है, आपको एक ऊपर की ओर क्या लगता है, बल का आभास होता है। ठीक है, तो ये जल के द्वारा, ठीक है, या द्रव के द्वारा जो ऊपर की ओर बल लगाया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बायनॉट फोर्स। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल। और इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? उत्प्लवन बोलते हैं। ठीक है, बायनोसी बोलते हैं। तो बायनोसी क्या है? द वेट ऑफ ब्लड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। शरीर मिस शरीर ना होगा, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का वजन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बायनोसी की एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तो बायनोसी क्या है? बायनोसी इज ए मेजर ऑफ द अपवर्ड फोर्स इफ फ्लड एक्सर्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट दैट इज सबमर्ज्ड। जब कोई वस्तु द्रव में डूबोई जाती है तो उसके ऊपर क्या लगता है? ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसे क्या बोलते हैं? बायनोसी बोलते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर ये कोई हमारा क्या है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट पर इसको पृथ्वी, इसमें पानी में क्या करा जा रहा है? डुबोया जा रहा है। तो द्रव की अणुओं द्वारा क्या लगता है? इसके ऊपर ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं?
बायनॉट फोर्स कहते हैं। बायनॉट फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड बाय द सराउंडिंग फ्लड। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर लगने वाला बल है जिसको हम कहते हैं बायनॉट बल। ठीक है, व्हेन या हिंदी में उत्प्लावन बल, इंग्लिश में बायनॉट फोर्स, हिंदी में उत्प्लावन बल। व्हेन एन ऑब्जेक्ट पुशेस वाटर, जब एक आप किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो वाटर भी क्या करती है, ऊपर की ओर एक बल लगाती है। देन अगर आप जो वाटर पानी द्वारा या उत्प्लावन बल का मान अधिक होगा तो वस्तु क्या होगी, पानी की सतह पर तैरेगी जैसे बोट। यदि क्या होगा, वस्तु के भार से क्या होगा, कम होगा बायनॉट फोर्स का मान, तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्लो मूवमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट विच टाइप ऑफ स्क्रूज आर कंसीडर्ड, धीमा संचालन और बारीक समायोजन के लिए किस प्रकार के स्क्रू माने जाते हैं, डिफरेंशियल स्क्रू, कंपाउंड स्क्रू, हेक्स स्क्रू एंड ब्लेडेड स्क्रू। तो आपको याद होना चाहिए कि स्लो मूवमेंट्स और फाइन एडजस्टमेंट के लिए डिफरेंशियल स्क्रू यूज किए जाते हैं। चलिए डिफरेंशियल स्क्रू क्या होता है, तो डिफरेंशियल स्क्रू एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है, ए डिफरेंशियल स्क्रू इज अ मैकेनिकल डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू स्क्रूज इन सीरीज विच आर अरेंज इन सच वे दैट द रिजल्टेंट मोशन इज द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मोशन ऑफ टू स्क्रूज। ठीक है, हिंदी में बात करें तो डिफरेंशियल स्क्रू एक ऐसी मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें दो स्क्रू श्रेणी में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि परिणामी गति दोनों स्क्रू के अलग अलग गति के अंतर के बराबर होती है। इसका उपयोग स्लो मूवमेंट और फाइन एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -2 एंड 3, 0। 0, -2 और 3, 0 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का ढलान ज्ञात करें। तो हमें पता होना चाहिए कि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का ढलान का फार्मूला क्या होता है, स्लोप इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, यहाँ पर आपको मान लेते हैं x1 y1 क्या वैल्यू दी गई है, x1 y1 इक्वल टू दिया गया है 0, -2। यहाँ पर x1 0 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देन x2 y2 क्या है, तो x2 y2 इक्वल टू है 3, 0। इस वैल्यू में हम वैल्यू को पुट कर लेंगे तो स्लोप इक्वल टू हमारा क्या निकल जाएगा, स्लोप इक्वल टू y2, y2 मीन्स 0 माइनस y1, y1 मीन्स -2, देन -2 अपॉन x2 - x1 मीन्स 3 - 0, मीन्स आपका क्या हो जाएगा 0 + 2 अपॉन 3 - 0 मीन्स 2/3। और इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन आएगा 0.66666। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ लेंथ 18 मीटर इज ड्रॉन फ्रॉम ए कॉपर सिलेंडर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वायर। देखिए, एक तांबे का सिलेंडर है, उस सिलेंडर की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिज्या कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर दी गई। उस तांबे के बेलन को, ठीक है, उस तांबे के सिलेंडर को पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई कितनी है, 18 मीटर का तार बनाया जाता है। तो पूछा गया कि उस तार की थिकनेस क्या होगी, यानी उस तार की रेडियस क्या होगी। तो देखिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जब भी हम किसी वस्तु को पिघलाकर उससे कोई नई वस्तु लगा बनाते हैं तो क्या नहीं परिवर्तित होता है, वस्तु के आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पुरानी वाली वस्तु का आयतन और नई वाली वस्तु का आयतन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम किस फार्मूला का यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, πr²h, वेयर r इक्वल टू क्या होता है, सिलेंडर के आधार की त्रिज्या, और h क्या होती है, उस बेलन की ऊंचाई या सिलेंडर की ऊंचाई होती है। तो अब हम बात करते हैं हमें क्या दिया गया है। तो गिवन में अगर बात करते हैं तो गिवन में दिया गया है उस तांबे के सिलेंडर की लंबाई, लंबाई मीन्स हाइट दी है, हाइट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे और तार की ऊंचाई को स्मॉल एच से डिनोट करेंगे। देन रेडियस क्या दी गई है, रेडियस दी गई है 1 सेंटीमीटर, ये दी गई है। और फिर जो तार खींच के बनाया जाता है, जो वायर खींच के बनाया जाता है,
उसकी हाइट कितनी है? उसकी हाइट आपको दी गई है 18 मीटर। 18 मीटर मीन्स जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 18 मीटर इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर। अब आपको क्या लगाना है, आपको पता है कि तांबे के बेलन का आयतन मीन्स पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, वायर का आयतन, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। देन लगा देते हैं तो यहाँ से एच की वैल्यू, पाई पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर एच अपान एच। वैल्यू पुट कर देते हैं तो आर की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू आपको कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 8 पुट कर देंगे अपान 1800 रख देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आर की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो आर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, देखिए सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/225। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 1/15 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार इज यूज टू मेजर, साइन बार का उपयोग किया जाता है। तो साइन बार का उपयोग प्रिसाइज एंगुलर मेजरमेंट के लिए किया जाता है, सटीक कोणीय मापन के लिए हम साइन बार का उपयोग करते हैं। साइन बार का ये फिगर है, देख लेते हैं और समझ लेते हैं साइन बार के बारे में थोड़ा सा। तो साइन बार इज द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स। इट कंसिस्ट ऑफ एक्यूरेट स्ट्रेट रेक्टेंगुलर बार मेड ऑफ हाई क्वालिटी स्टील एंड हैविंग टू एक्यूरेटली लैप्ड सिलेंड्रिकल प्लग्स आर रोलर एट द एंड्स। तो साइन बार क्या होता है, साइन बार को हम किसके लिए यूज करते हैं, एक्यूरेट अगर आपको एंगल मेजर करना है उसके लिए साइन बार का यूज करते हैं। क्या होता है ये, एक्यूरेट स्ट्रेट रेक्टेंगुलर बार है जो किससे बनी होती है, ये हाई क्वालिटी स्टील से बनी होती है और इस पर दो एक्यूरेटली क्या होते हैं, लैब्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल प्लग्स या रोलर्स। तो इसके जो सिरे हैं उस सिरे पर आपके लैब्ड होते हैं सिलेंड्रिकल प्लग्स और रोलर्स। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, साइन बार के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग प्रिसाइज एंगुलर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल मेजर सेम वैल्यू। ठीक है, किस तापमान पर फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल दोनों समान मूल्यों को नापते हैं। तो ये हमारा एक दिया गया है कि ताप को मापने के विभिन्न विभिन्न क्या है, मात्रक है, सेल्सियस है, फारेनहाइट है, रूमर है और केल्विन है। तो एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूलो का प्रयोग करते हैं, सी अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9 इक्वल टू आर बाई 4 इक्वल टू के माइनस 273/5। तो अगर चेंज परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप इन सूत्र से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हमने मान लिया, आपने सपोज कर लिया कि लेट वो नंबर क्या है, वो नंबर एक्स है। तो एक्स फारेनहाइट पर भी एक्स है और सेल्सियस पर भी एक्स है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स बाई 5 इक्वल टू एक्स माइनस 32/9। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस 5 इंटू 32 160 हो जाएगा। तो यहाँ से 9x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 160 मीन्स आपका हो जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 160। जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, माइनस 40। तो इसके लिए क्या आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, इफिशियंसी है तो इफिशियंसी हम लोग जानते हैं कि आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट इनपुट को, आउटपुट सॉरी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इफिशियंसी क्या होती है, तो इफिशियंसी इज ऑफन मेजर्ड दक्षता, दक्षता को हम किससे मापते हैं, एज द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट टू टोटल आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन की ओर। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, एक तैरते हुए घटक को स्थिर संतुलन में होने के लिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा बिलो सेंटर ऑफ बायनोसी, बिलो सेंटर ऑफ बायनोसी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, द फ्लोटिंग बॉडी विल एक्वायर ए स्टेबलर
स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, साम्य अवस्था में कब आएगी, व्हेन द मेटा सेंटर ऑफ द बॉडी लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, मेटा सेंटर क्या होगा, ग्रेविटी सेंटर से ऊपर होगा, बिकॉज क्योंकि स्टेबल कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, बेटा सेंटर क्या है, बायोनोसी सेंटर क्या है, इसके लिए हम आपके समक्ष बहुत जल्द ही एक नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो में हमने लेवल सेकंड के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप सेकंड लेवल फर्स्ट के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, और आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और हम और नए नए वीडियो आपके समक्ष ला सकें। ओके, थैंक्स।